हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया एंड बंगाल। साथ ही हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो उस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुए। ये वीडियो गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया एंड बंगाल सीरीज का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम लोगों ने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स को डिस्कस किया, साथ ही डिस्कस किया था जॉन मैकपर्सन को। उसके बाद हम लोगों ने वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को और साथ ही कवर किया था सर जॉन शोर को। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 को। आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली को, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे 1798 से 1805 तक। चलिए देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो उनके कार्यकाल में हुए। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 1798 में। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक तरह की नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी है जिसमें इंडियन रूलर्स को ब्रिटिशर्स को सब्सिडी देनी होती थी ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करने के लिए, और इसके बदले ब्रिटिशर्स उन रूलर्स को प्रोटेक्ट करते थे उनके एनिमीज के अगेंस्ट। बट इस पॉलिसी के चलते ब्रिटिशर्स ने प्रोटेक्शन की आड़ में काफ़ी सारे किंगडम्स को एनेक्स कर लिया था। वेलेस्ली की सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी का सबसे पहला शिकार था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में चार तरह के अरेंजमेंट्स पॉसिबल थे। पहला, जिसमें प्रिंसली स्टेट ब्रिटिशर्स को पैसा देते थे और उनसे ब्रिटिश आर्मी रेंट पर लेते थे। दूसरा अरेंजमेंट, जिसमें ब्रिटिश आर्मी प्रिंसली स्टेट की टेरिटरी के बाहर रहकर उसको प्रोटेक्ट करती थी और इसके बदले प्रिंसली स्टेट ब्रिटिशर्स को पैसा देते थे। तीसरा अरेंजमेंट, जिसमें ब्रिटिश आर्मी प्रिंसली स्टेट की टेरिटरी के अंदर रहकर उसको प्रोटेक्ट करती थी और इसके बदले प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिशर्स को पैसा देते थे। चौथा और आखिरी अरेंजमेंट, जो कि सबसे खतरनाक था, जिसमें ब्रिटिश आर्मी प्रिंसली स्टेट की टेरिटरी के अंदर रहकर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे और इसके बदले प्रिंसली स्टेट ब्रिटिशर्स को अपनी टेरिटरी का एक पार्ट दे देते थे। नवाब ऑफ अवध ने 1801 में इसी अरेंजमेंट को चूज़ किया और 1856 आते आते पूरा का पूरा अवध अंग्रेज़ों के कब्जे में था। सब्सिडरी अलायंस के कुछ रूल्स भी थे जो कि प्रिंसली स्टेट्स को मानने पड़ते थे। पहला रूल था कि प्रिंसली स्टेट्स को धीरे धीरे अपनी आर्मी को डिसॉल्व करना होगा। दूसरा रूल था कि अगर इंडियन रूलर्स ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है तो बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के वो किसी भी दूसरे रूलर्स के साथ कोई संधि या ट्रीटी नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी दूसरे रूलर के ऊपर या दूसरे किंगडम के ऊपर वॉर भी नहीं कर सकते। अब देखते हैं रूल नंबर 3। अगर इंडियन रूलर ने सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी साइन की है तो ब्रिटिशर्स को छोड़ के किसी भी दूसरे यूरोपियन देश के लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकता था। हैदराबाद ने ये ट्रीटी साइन की थी 1798 में। उसके बाद मैसूर और तंजौर ने साइन की 1799 में, फिर अवध ने 1801 में, उसके बाद मराठा और पेशवा 1802 में, और 1803 में सिंधिया और गायकवाड़ ने भी ये ट्रीटी साइन कर ली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जो हुआ था 1799 में। बेसिकली टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था और सब्सिडरी अलायंस साइन करने से मना कर दिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर अटैक कर दिया और इस वॉर में टीपू सुल्तान को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने मैसूर किंगडम वुदियार को दे दिया। उन्होंने तुरंत सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया। इसके एक साल के बाद 1800 में टीपू सुल्तान के ऊपर अपनी जीत के एक साल पूरे होने की खुशी में वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश किया कलकत्ता में। ये कॉलेज सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था। इसके बाद 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश की। बेसिकली टीपू सुल्तान के अगेंस्ट जितने भी वॉर हुए उसमें अंग्रेज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ। इससे मद्रास प्रेसिडेंसी बनाना काफ़ी आसान हो गया। 1792 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद अंग्रेज़ों के पास सालेम और मालाबार डिस्ट्रिक्ट्स आ गए थे। साथ ही फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद
कोयम्बटूर और कनारा डिस्ट्रिक्ट्स भी मद्रास प्रेसिडेंसी में ऐड कर दिए गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल। नेक्स्ट गवर्नर जनरल हैं सर जॉन बार्लो, जिसने रूल किया था 1805 से 1807 तक। इनके टाइम पर वेल्लोर म्यूटिनी हुई 1806 में। बेसिकली मद्रास के कमांडर इन चीफ ने कुछ बेवकूफ़ी भरे ऑर्डर्स पास किए मुस्लिम और हिंदू सिपाहियों की ड्रेस को लेकर। हिंदू सिपाहियों को पगड़ी पहनने से मना कर दिया और हेलमेट पहनने के लिए बोला। इसके अलावा मुस्लिम सिपाहियों को भी उनकी टोपी हटाकर हेलमेट पहनने के लिए बोला। हिंदू सिपाहियों का तिलक हटवा दिया और मुस्लिम सिपाहियों को क्लीन शेव करा दिया। ब्रिटिशर्स के इन ऑर्डर्स ने इंडियन सिपाहियों को ये महसूस करा दिया कि उनके रिलीजन को डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है। इससे उनमें गुस्सा भर गया। इससे इंडियन सिपाहियों को लगने लगा कि उन्हें क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। अपने रिलीजन पर आंच आते हुए देखकर उन्होंने म्यूटिनी शुरू कर दी, जिसमें इंडियन सोल्जर्स ने अराउंड 14 ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया और अराउंड 115 अंग्रेजी सिपाहियों को भी मार दिया। ब्रिटिशर्स ने म्यूटिनी को कंट्रोल करने के लिए आरकोट से फोर्सेस बुलाई, जिसने अराउंड 350 इंडियन सोल्जर्स को मार दिया और बहुत सारे सोल्जर्स को गोलियां भी लगी, और इसी के साथ म्यूटिनी एंड हो गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल, जो कि है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, जिन्होंने रूल किया था 1807 से 1813 तक, और उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड एमरेस्ट। इन तीनों गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल को हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो के पार्ट 4 में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक बुक्स तवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट करके बताइए कि कैसे करेंगे।